नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एससी ईस्ट बंगाल एफसी से जुड़े लेटेस्ट कोविड केसेस के बारे में। तो दोस्तों, आईएसएल के 8 टीमों को बहुत ज्यादा हार्ड क्वारंटीन कर दिया गया है, जिसमें से एक एससी ईस्ट बंगाल एफसी भी है। तो फिलहाल 3 खिलाड़ियों को लेकर अपडेट आ रहा है एससी ईस्ट बंगाल एफसी की तरफ से कि 3 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दोस्तों, वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं उसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, Amazon लेकर आया है आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका, जहां पर आप ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा कम दामों में शॉपिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, PSG, इन जैसी बड़ी टीमों का जर्सी आप बहुत ज़्यादा कम दामों में शॉपिंग कर सकते हो। और दोस्तों, फुटबॉल बूट्स, जर्सी, फुटबॉल से रिलेटेड सारी चीज़ें अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल ब्रांडेड जर्सी बूट्स आपको मिल जाएगी, Amazon पर अवेलेबल है और आप ऑनलाइन इसे बाई कर सकते हो। और दोस्तों, अभी आप शॉपिंग करना चाहते हो तो इन सारी प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा कम दामों में आपको फुटबॉल से रिलेटेड सारी किट्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इन सारी प्रोडक्ट का लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो ISL का बायो बबल पूरी तरह से लीक हो चुका है। पिछले सीजन जैसा मैनेज किया गया था ISL मैनेजमेंट के द्वारा, वैसा इस सीजन नहीं हो पाया। बहुत सारे प्लेयर, कोच, कोचिंग स्टाफ, ISL से जुड़े हुए हर एक मेंबर एक एक करके कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि इस सीजन का ISL पोस्टपोन हो जाए, ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ 2, 3, 5, 10 हमेशा केसेस बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों कोविड का। और सबसे ज्यादा जो इसमें क्षति पहुंचा है वो है ATK मोहन बगान एफसी और एफसी गोवा को, और उसके बाद नाम आ रहा है दोस्तों ईस्ट बंगाल एफसी का। तो ईस्ट बंगाल एफसी का हाल वैसे ही बुरा था, पॉइंट्स टेबल में एक भी मैच जीत नहीं पाई इस सीजन एससी ईस्ट बंगाल एफसी, और ऊपर से दोस्तों इनके बहुत सारे प्लेयर कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो खबर आया है दोस्तों आज ही कि 3 खिलाड़ी एससी ईस्ट बंगाल एफसी के कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से दोस्तों एक है लेफ्ट बैक के खिलाड़ी, एक है सेंट्रल मिडफील्ड के खिलाड़ी और एक है दोस्तों लेफ्ट विंगर के खिलाड़ी। तो दोस्तों, ये तीनों ही खिलाड़ी एससी ईस्ट बंगाल एफसी के इंडियन हैं। लेकिन दोस्तों, 3 खिलाड़ी आखिर कौन से हैं उसका नाम ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, जैसे कि हर बार होता है किसी भी ISL टीम ने अपने खिलाड़ियों का नाम रिवील नहीं किया है कि आखिर कौन से खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वैसा ही हुआ, लेकिन ये बात पक्का है कि आज ही एससी ईस्ट बंगाल एफसी के खेमे से 3 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और वो खिलाड़ी है लेफ्ट बैक के, सेंट्रल मिडफील्ड के और एक है दोस्तों लेफ्ट विंग के। लेकिन दोस्तों, मुझे जहाँ तक पता चला है कि लेफ्ट बैक के पोजीशन में जिनको कोविड हुआ है वो है दोस्तों हीरा मंडल, और सेंट्रल मिडफील्ड में वो है दोस्तों मोहम्मद रफीक, और तीसरे खिलाड़ी है जो कि लेफ्ट विंगर है वो है दोस्तों विकास जायरू। तो यहाँ तक मुझे पता चला है कि ये 3 खिलाड़ी एससी ईस्ट बंगाल एफसी के कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं आज ही। तो दोस्तों, ISL के रूल के मुताबिक किसी भी प्लेयर का नाम रिवील नहीं किया जाता जिसे कोविड पॉजिटिव आया है। तो एससी ईस्ट बंगाल एफसी ने भी दोस्तों किसी भी प्लेयर का नाम रिवील नहीं किया जैसे कि बाकी ISL की टीमों ने किया। तो ISL का यही रूल है। लेकिन दोस्तों, मुझे जहां तक पता चल पाया मैंने आप सभी से शेयर किया। तो फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।